हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज महानवमी का दिन है और हम लोग पूजा देखने के लिए नॉर्थ लखीमपुर जा रहे हैं, और जो कि असम में है। वहां पर जाने के लिए हमें 2 से 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। तो रास्ते में जो कुछ भी मिलता जाएगा मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी, तो देखते रहिएगा वीडियो को अंत तक। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस मिलते रहे। अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं। दोस्तों, अंधेरा हो चुकी है। हम लोग असम अरुणाचल का बॉर्डर पहुंच चुके हैं और ये गुमटो का चेक पोस्ट है। रास्ते में हमें कुछ पूजा मंडप भी दिख गए। ये लखीमपुर का दुर्गा मंदिर है और ये बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। दर्शन कर लिया है दोस्तों, और मेरे साथ कौन कौन आया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए, आराध्या से तो आप सब लोग मिल ही चुके हैं, और ये मेरे हस्बैंड है, ये निकू जी है, ये जतिन जी है, मेरे हस्बैंड के कॉलीग है, ये इनकी वाइफ है, और ये इनकी क्यूट सी बेटी है श्रुति।
अभी हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं। रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छी है दोस्तों, हमें यहाँ पर टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छी लगी और अभी हम घर वापसी के लिए निकल चुके हैं। तो दोस्तों कल हमें घर पहुंचने में बहुत लेट हो गया, इसलिए मैंने कल रात को वीडियो नहीं बनाया। इस बार पूजा पहले जैसे तो नहीं रही, लेकिन माता के दर्शन करने को मिल गए, वही मेरे लिए काफी है। वहां पर ज्यादा लोग भी नहीं थे, छोटे छोटे एक दो दुकान खुले हुए थे, वहीं से हमने छोटे मोटे कुछ चीजें खरीद लिए। मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या खरीदा। तो ये देखिए, ये बारबी का सेट आराध्या ने लिया है। वहां पर खास इतना कुछ था नहीं, तो उसे यही पसंद आया और उसने ये लिया। और मैंने आराध्या के लिए ये क्लिप्स लिए। और फिर रोड साइड में मुझे ये इयररिंग्स बहुत पसंद आ गए, तो मैंने इनके एक जोड़े खरीद लिए। और ये दूसरा इयररिंग्स का जोड़ा भी मैंने लिया है। और दोस्तों मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि वहां पर कुछ वुडन क्राफ्ट्स भी रखे हुए थे, भगवान के फोटोज वहां पर वुडन फ्रेम्स में बनाए हुए थे, तो मैंने वहां में से भी कुछ खरीदा है। ये देखिए, ये सरस्वती जी का फोटो मुझे बहुत ही सस्ते मिले हैं, ये मुझे 40 रुपीज में मिल गए। और ये लक्ष्मी माता का फोटो मुझे 20 रुपीज में मिला। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये हनुमान जी की फोटो मुझे 60 रुपीज में मिल गई। तो बस यही था, हमें वहां पर खास कुछ मिला नहीं। इस साल पूजा ऐसे ही रही। आशा करती हूँ कि हम नेक्स्ट ईयर बड़े धूमधाम से पूजा मनाएंगे। तो आज दशहरा है दोस्तों, तो आप सबको मेरी तरफ से दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभ विजया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।